आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम TNA टेस्ट के बारे में एक बिल्कुल नई बात को समझेंगे और उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। TNA टेस्ट, जिसे टीचर्स नीड असेसमेंट टेस्ट का नाम दिया जा रहा है, क्या वाकई इसका मतलब यही है? तो इसका जवाब है नहीं। ये एब्रीविएशन TNA टीचर्स नीड असेसमेंट टेस्ट के लिए मखसूस नहीं है। ये एब्रीविएशन किसकी है, तो ये हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात का जानना ज़रूरी है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ की इस्तेदाद और एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स कराती हैं, जिनका मकसद मुलाजमीन की कारकर्दगी और महारत को बेहतर करना होता है। दूसरी जानब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ट्रेनिंग्स भी कराती हैं जिसका मकसद मुलाजमीन को नौकरी से निकालना होता है। इस किस्म की ट्रेनिंग्स और असेसमेंट्स के थ्रू मुलाजमीन को ज़हनी तौर पर कुछ ना कुछ तैयार कर लिया जाता है और नौकरी से निकाले जाने पर मुलाजमीन की जानिब से ऑर्गेनाइजेशंस को इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि TNA टीचर्स नीड असेसमेंट की एब्रीविएशन नहीं है, बल्कि ये एब्रीविएशन है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की। इस तरह TNA दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, मुलाजमीन की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए भी और उन्हें जॉब से निकालने से पहले मेंटली तैयार करने के लिए भी। असातिज़ा की हालिया TNA ट्रेनिंग के मकासद अल्लाह ही बेहतर जानता है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इसको कंडक्ट करा रहा है। दुआ है अल्लाह हम सब के हक में बेहतर करे, आमीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।